क्या आप सिनेमा थिएटर या मल्टीप्लेक्स में मूवीज़ देखने का शौक़ रखते हैं? अगर शौक रखते हैं तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लंबी लाइन की वजह से टिकट खरीदने में दिक्कत आती होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। जी हाँ, आपने उसके बारे में ज़रूर सुना ही होगा, पर एक ईजी वे है जिसके थ्रू आप अपना टिकट मूवीज़ का ऑनलाइन ईजिली बुक कर सकते हैं, एंड उसका नाम है बुक माई शो। ये एप्लीकेशन हम आपको दिखाएंगे कि उसका यूज़ करके कैसे आप अपना मूवीज़ का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो बुक माई शो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाइए फ्रेंड्स, और वहाँ पे बुक माई शो जस्ट टाइप करना है आपको, और प्ले स्टोर में आपको वो एप्लीकेशन अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो हम यहाँ पर सीधा आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। बुक माई शो ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले काम करना है वो है आपके जो एरिया है, आपकी जो सिटी है वो फाइंड आउट करना है। तो आप पहले तो अपना सिटी अवेलेबल अगर नहीं है तो मैन्युअली भी डाल सकते हैं सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे वो आपका जो सिटी है जहाँ पे आप मूवी देखने जाने वाले हैं वो दिखाएगा। जैसे कि हमने लिया है वलसाड़, हमारा वलसाड़ सिटी है। उसके बाद आपको मूवी सिलेक्ट करनी है जो आप देखने वाले हो। मूवी सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरा, सपोज़ यहाँ पे मिशन मंगल हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो नियर बाय आपके सिटी में जो भी मल्टीप्लेक्स है थिएटर अवेलेबल होंगे वो आपको शो करेगा, और आपको डेट सिलेक्ट करना है कब जा रहे हो, कब बुक करवा रहे हो। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर शो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपना टिकट बुक करवाने जा रहे हो। शो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन आपको सिलेक्ट करना है, 2-3 जितने भी पर्सन मूवी देखने जाने वाले हैं उसके हिसाब से सीट के लिए आपको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट सीट्स ऑप्शन पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये होने के बाद हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पूरा जो थिएटर का व्यू है वो कैसा दिख रहा है। सामने स्क्रीन भी है तो हमें पता चल सकता है कि हम कौन सी सीट कहाँ पे होगी और हमें कौन सी बुक करनी है। और ये जो डार्क ग्रे कलर की जो सीट्स है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है फ्रेंड्स, तो हम वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी बुक सीट नहीं हुई है उसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 सीट बुक कर रहे हैं, उस पर आप सीधा क्लिक कर दीजिए। जो ग्रीन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं वो सीट हमने बुक कर दी है, और यहाँ से आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे ईमेल एंड मोबाइल नंबर डाल दीजिए ताकि जो आपकी टिकट की जो बुकिंग है वो सीधी उस पर आपको सेंड कर सकेंगे वो। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे कि आपने जो सीट बुक की उसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से यानी कि एटीएम से, नेट बैंकिंग से भी है। यहाँ से आप डेबिट कार्ड से यानी कि अपने एटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको जो कार्ड की डिटेल डालनी है वो डाल दीजिए, सीवीवी नंबर एंड एक्सपायरी डेट एंड ऑल द थिंग्स, कार्ड का नंबर वो सब डालना है आपको वन बाय वन। हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है भीम ऐप, और आप पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास भीम ऐप में ऑलरेडी अकाउंट है तो हम भीम ऐप के थ्रू हमारे टिकट का बुकिंग जो है उसका पेमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही ये पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आपको आपके टिकट का बुकिंग जो हो गया वो डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्यूआर कोड आ गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एंड मोमेंट पे अगर वहाँ पे थिएटर में दिखाना हो और आपको मैसेज ना मिल रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट से भी अपना टिकट का बुकिंग जो किया हुआ वो दिखा सकते हैं, और सीधा आप थिएटर में एंट्री ले सकते हैं बिना टिकट की लंबी लाइन में खड़े होके। जो आपने नंबर डाला था उसके बेस पे आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये पूरा जो इमेज है आपका जो स्क्रीनशॉट लिया है वैसा इमेज टिकट बुकिंग वाला वो व्हाट्सएप के आपको सेंड करेंगे। हमें यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है तो हम आपको दिखाते हैं डाउनलोड करके। तो ये एक और भी आसान तरीका है आपने टिकट बुकिंग किया उसका
कि आप वहाँ से भी आप दिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपका टिकट बुक हो गया है। अगर आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है तो इसका यूज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली मिल जाए। बाय।